ये मानचेस्टर। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ए टू डी प्रॉब्लम फॉर द कोटन राउंड 6। वी विल डिस्कस ए टू ई प्रॉब्लम्स। आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ ई प्रॉब्लम टू। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, तीन नंबर दिया है, एन के एंड एक्स। वी हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे कंसिस्टिंग ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स विच हैज एन एलिमेंट्स। इट्स मैक्स इज इक्वल टू के एंड ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स डू नॉट एक्सीड एक्स। इफ सच एन अरे डजंट एग्जिस्ट आउटपुट -1, एल्स आउटपुट द मैक्सिमम सम पॉसिबल। तो क्या दिया हुआ है इसमें, एन लेंथ का अरे होगा एक। तो ऐसा कुछ अरे होगा एन लेंथ का, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब उसका मैक्स के होना चाहिए, विच मीन्स दैट के अगर मैक्स है, इसका मतलब क्या है, उसमें सारे एलिमेंट्स है 0 से लेकर k-1 तक। तो 0, 1 से लेकर k-1 तक एलिमेंट्स है, और उसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो लाइक वो डिपेंड करता है, और एक्स उसकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, राइट। तो ऐसा है कि अरे में ये एलिमेंट्स तो होने चाहिए 0 से k-1 तक। तो एक चीज तो ये होगी, एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के, क्योंकि लेंथ एटलीस्ट के होनी चाहिए, राइट। एंड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k-1। ये दो कंडीशंस तो है ही है, ट्रू, राइट। अब आर यू राइटिंग ये एनीथिंग? हेलो, इज इट नॉट विजिबल? नो, इट्स नॉट विजिबल फ्रॉम माय एंड। Anyone, is it visible from others ends? नो सर, Okay. Let me share the screen again then. My bad, yeah. हाँ, now is it visible? Okay. या Thanks. ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज द अरे ए। ओके, सो इट हैज अ लेंथ एन। नाउ अरे कंटेन्स द अरे शुड कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर दैट के इज द मैक्स ऑफ द अरे। सो द एलिमेंट शुड बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड टिल k-1, राइट। सो एटलीस्ट के एलिमेंट शुड बी देयर इन द अरे, सो एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। देयर इज वन कंडीशन दिस, एंड द अदर कंडीशन इज एक्स। एक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट ऑफ द ऑफ एन एलिमेंट, सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू k-1, बिकॉज इफ इट इज लेस देन k-1, वी वोंट बी एबल टू मेक द मैक्स इक्वल टू के। इफ बोथ दिस कंडीशन सेटिस्फाई देन वी विल ट्राई टू मेक द अरे। इफ एनी ऑफ दिस कंडीशन डजंट सेटिस्फाई देन द आंसर इज -1 फॉर श्योर। सो फॉर -1 इट इज सिंपल, इफ एन इज लेस देन के और एक्स इज लेस देन k-1, दिस इज द कंडीशन फॉर -1। इन दिस कंडीशन नाउ what we'll do is till we have 0 to k-1, so what is the sum from 0 to k-1? k-1 into k/2, this is the sum till now, and all the other elements should be equal to the maximum element, which is x. But there is one issue here. If x is equal to k, then we can't make it like we can't make the make all the elements equal to k, any element equal to k, because we want the max as k. So we can add any other element other than k. We can add any other value, right? So if x is equal to k, we'll basically decrement x. So there is one thing, that if x is equal to k, x is equal to x-1. If x is not equal to k, it doesn't matter. So what will happen here is n minus k into x. This is the formula, and this is the algorithm. If n equals to k, x is equal to x-1. So this is the logic. Like I'll also show you examples for reference. So for 5, 3, and 3, which means that array length is 5 here. So array length is 5. Max should be k. So 0, 1, and 2 should be there. Max should be equal to 3, and x is also equal to 3.
So the thing is, the two elements are left. Like we have to make them equal to some value. So like x is equal to 3, so we want to maximize it. But we can't make them 3. We have to make them 2 and 2 because we can't increase the max here. Max should be 3 only, right? So this was an example. If in the same case, if x is equal to any other value greater than 3. So what we'll do is we'll make both of these element equal to x. So basically answer would be 2x plus 3, something like this. So it depends on x. So this is the logic, and I'll show you the code once. Code is simple. So if x is greater than x plus 1 or n is less than k, this is the same condition as I wrote. Answer would be minus 1. Else it is simply a k into k minus 1 by 2 plus. Like this might be confusing here, but it is a short state. I didn't use if else, rather than it I used a single line statement. So the question mark stands for an if statement. Basically, I have written x is not equal to k question mark. It means that we want to check what is the like is it true or false. If it is true, it would follow this, and after the colon tells us if it is false. So it is a simple way to write an if else statement. So if true, this one would be followed x into n minus k. If false, then x minus 1 into n minus k. Basically, if x is not equal to k, then we can simply multiply x. If it is equal to k, then we have to subtract 1 from x. That's what I did. Now let's move on to the second question. If you have any doubt, you can ask. So the sec in second question, an array is given of length n, and another array B is given of length m. What we can do, we can choose any element j from B. We can choose any element from B, and we can do A of I or B of j for all the positions in A. So what it is saying is, क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास अगर एक अरे है ए, ठीक है, सम अरे. नाउ देयर इज अनदर अरे बी ऑफ डिफरेंट लेंथ. हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं, और वी कैन डू ए ऑफ 1 और बी ऑफ समथिंग. लेट दिस एलिमेंट बी के. सो ए ऑफ 1 इक्वल्स टू दिस, ए ऑफ 2 इक्वल्स टू ए ऑफ 2 और के, समथिंग लाइक दिस. सो फॉर ऑल द एलिमेंट वी हैव टू डू दिस. सो बिफोर गोइंग इन टू दैट, हम अगर ये सोचें कि एक्चुअली क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये और करने से. एक्चुअली हमें क्या मेन चीज़ क्या है क्वेश्चन की, हमें चाहिए कि हाँ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स इज इक्वल टू जॉर ऑफ द होल ए अरे ए. सो लाइक लेट अस कंसिडर, और क्या करता है, और एक बिट बढ़ाता है. मतलब बेसिकली या तो वो बिट बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, मतलब ये एक ही ऑप्शन है, राइट? जो हर एक एलिमेंट की, मान लो जो कि के है, हमने कोई के सेलेक्ट किया, वो कुछ नंबर है, लाइक के कुछ नंबर है, ठीक है, वो कुछ सर्टेन बिट्स है, मान लो सेकेंड बिट, थर्ड बिट, फिफ्थ बिट. बेसिकली ये और इन बिट्स पे वर्क करेगा, राइट? सो जो ए अरे होगा उसमें जिन जिन में सेकेंड बिट और थर्ड बिट फिफ्थ बिट नहीं होगी, वो वहां पे बन जाएगी बेसिकली. सो बेसिकली हर एलिमेंट में सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ बिट और हो जाएगी बेसिकली, ठीक है. अब इससे जोर में क्या फर्क पड़ता है, देखो हमें जोर करना है मैक्सिमाइज. या सो हमें जो जोर है वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, बेसिकली दो चीजें करनी है. तो अभी हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, हमें बस अभी जोर पे इफेक्ट देखना है क्या हो रहा है. तो अगर तो हम इस पे ऑपरेशन ना करते, ये वाला देखो, अब ये ऑपरेशन करें क्या हुआ. तो ऐसा है कि जो सर, भी व्हाट इज द नंबर, टॉपिक नाउ टुडे सॉरी, सेशन टॉपिक की? आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. सेकेंड क्वेश्चन की लाइक डिस्कशन चल रही है. ओके यप. सो एज आई वाज टॉकिंग कि अब देखो, हर
बेसिकली हर अरे के हर एलिमेंट में सेकंड थर्ड और फिफ्थ बिट ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जोर क्या होगा अभी बेसिकली, अगर मैं सेकंड थर्ड और फिफ्थ बिट के पर्सपेक्टिव से देखूं, बेसिकली यही बिट्स चेंज हुई हैं। मान लो पहले सेकंड जोर करने पे सेकंड बिट ऑन थी, ठीक है, थर्ड बिट ऑफ थी, फिफ्थ बिट ऑन थी, ठीक है, ये मान लेते हैं जैसे जस्ट फॉर एजम्पशन। अब ये और करने पे क्या हुआ, और करने पे ये बेसिकली एन अरे की लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि सारी बिट्स ऑन है। तो अगर एन ऑड है तो मान लो, चलो मान लेते हैं एन ऑड है, अगर एन ऑड है तो सेकेंड बिट ऑन हो जाएगी, थर्ड बिट भी ऑन हो जाएगी, फिर सारी बिट ऑन ही होंगी बेसिकली। अगर एन ऑड है तो बेसिकली जोर इंक्रीज होगा, अगर एन ऑड है तो जोर इंक्रीज होगा, और अगर एन इवन है तो क्या होगा, ये होगा ऑफ हो जाएगी सारी बिट, राइट राइट यही होगा ना, सेकेंड बिट थर्ड बिट फिफ्थ बिट सारी ऑफ हो जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो एक्चुअली इसका बहुत ही सिंपल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देखो वो बेसिकली एन पे डिपेंड करता है। तो अब जो जोर है, अगर तो हम बेसिकली अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो बेसिकली हम सबके साथ एक बार और ले लेंगे सारे नंबर्स का, राइट, लाइक जो बी अरे है, चलो एग्जाम्पल एग्जाम्पल है ना ये सेकंड थर्ड और फिफ्थ बिट है, चलो कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो 0,1 1,2 ठीक है, तो जो अरे ए था वो 0,1 है, ये 1,2,3 है, ठीक है, अरे बी है, अरे ए ही है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि ये एग्जाम्पल में बांधना चाहते, पहले हम लॉजिकली सोचते हैं ना इसको। तो देखो सेकंड थर्ड और फिफ्थ बिट ऑन हुई थी, तो बेसिकली क्या इससे क्या पता चल रहा है, अगर तो एन ऑड है, चलो एन ऑड वाले केस में ही जाते हैं, तो ये वाला केस देख रहे हैं, तो जो भी हम नंबर लेना मतलब जिसके साथ भी और करें तो बिट्स ऑन ही रहने वाली है, राइट, बिट्स ऑन ही होने वाली है। तो मैं सबके साथ ही ले लूंगा ना, और एक एक बार सबके साथ एक एक बार और ले लूंगा। तो बेसिकली मैं पहले बी अरे का और ले लूंगा, बी अरे का और लेने के बाद मैं क्या करूंगा, बी अरे का और ले लिया, उसके बाद मैं अरे के सारे एलिमेंट्स का, ये जो मान लो ये और आया एक्स, तो सारे एलिमेंट्स का एक्स के साथ और ले लूंगा, और उसके बाद जोर करूंगा। तो ये मैक्सिमाइज करेगा ही करेगा, क्योंकि मैंने सबके साथ और ले लिया ना एलिमेंट्स का। और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम यही होगा कि ओरिजिनल जोर जो था, मैं एक भी ऑपरेशन ना करूं तो मिनिमम आएगा, क्योंकि ऑपरेशन करने पे हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है जोर, राइट। अब जो दूसरा केस है वो क्या है, दूसरा केस है जब एन इवन है तो हमेशा जोर डिक्रीज ही होने वाला है कुछ भी ऑपरेशन करो। तो उस केस में मैं उस केस में जब एन इवन है तो मैं अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो सारे के सारे सबके साथ करूंगा बेसिकली। तो मैं सबका और ले लूंगा, राइट, सबको और ले लिया, और हर एलिमेंट का उसके साथ और कर दिया, और करने के बाद इनका जोर ले लिया, तो वो मुझे मिनिमम वैल्यू दे देगा। और मैक्सिमम क्या होगा, क्योंकि हर ऑपरेशन के बाद ये डिक्रीज ही होने वाला है जोर, तो मैक्सिमम होगा कि ओरिजिनल जोर जो होगा। तो बेसिकली मैं कुछ भी करूं, मैं मुझे क्या करना है, सबका और लेना है, और सब हर एलिमेंट के साथ और ले लेना है बाकी सबका। जैसे इसी इसी में देख लो, तो 1, 2 और 3 का और क्या है, 1, 2 बेसिकली मुझे बी का और लेना है, तो 1, 2 और 3 का और क्या है, 0 है बेसिक, सॉरी माय बैड, 3 है। तो मैं हर एलिमेंट का 3 के साथ और लूंगा, एक है तो 3 और 4 हो गया, नहीं एक मिनट, हाँ 3 और 3 हो गया, दोनों एलिमेंट्स 3 और 3 हो गए, राइट, यही था ना एग्जाम्पल, 1, 2, 3, हाँ हाँ तो दोनों एलिमेंट्स 3,3 हो गए। तो जो इनिशियल जोर था, इनिशियल जोर था 0 जोर 1, 0 जोर 1 = 1, और जो फाइनल जोर है वो 0 है। तो बेसिकली इसका मतलब ये, या तो ये डिक्रीज होगा नया जोर या इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज हुआ तो मिनिमम है, इंक्रीज हुआ तो मैक्सिमम है। तो बस यही लॉजिक है, एक बार ओरिजिनल जोर ले लेना है, दूसरी बार ऑपरेशन करके जोर ले लेना है। तो ऑपरेशन सिंपल ही है कि सबका और लेके फिर हर एलिमेंट बाय एलिमेंट वो और कर देना। तो मेरा यही कोड है, सिंपल है।
इसमें मैंने क्या किया, मैंने दो अरेज ले लिए। अब मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिनल्स और एक्स वन इक्वल्स टू ओरिजिनल्स और हेयर, एक्स वन इक्वल्स टू ओरिजिनल्स और एक्स टू इक्वल्स टू और ऑफ बी। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्स थ्री इक्वल्स टू ऑपरेशन के बाद जो जोर होगा, तो एक्स थ्री इक्वल्स टू एक्स थ्री और ए आई और एक्स टू, तो बेसिकली एक्स वन और एक्स थ्री है। इवन और ऑड का लॉजिक समझ नहीं आया, रुको पहले। हाँ तो इस कोड में क्या है, मैंने बस ये ले लिया मिनिमम ऑफ एक्स थ्री कॉमा एक्स वन और मैक्सिमम ऑफ एक्स थ्री कॉमा एक्स वन। मिनिमम और ऑड का ये लॉजिक है ना यार, देखो अगर मैंने हर एलिमेंट का बी के किसी एलिमेंट के साथ जोर ले लिया, तो देखो इस एलिमेंट में क्या होगा, थर्ड बिट ऑन होगी, थर्ड बिट मान लो ऑन है, तो ये थर्ड बिट हर किसी में ऑन होने वाली है ना, सारे एलिमेंट्स में। तो जोर क्या होगा, अगर मैं थर्ड बिट स्पेसिफिक देखू, देखो चेन तो थर्ड बिट हो रही है ना, तो अगर तो एन ऑड है तो थर्ड बिट ऑन रहेगी, अगर एन इवन इवन है तो थर्ड बिट ऑफ रहेगी। अब समझ आया ऑड इवन का लॉजिक, जोर ले रहे हैं ना। वरुण समझ आया क्या? ठीक है, किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ लो, ये इसका यही लॉजिक है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस सी पर। तो इसमें क्या है, इसमें एक अरे दे रखा है जिसमें जो एन लेंथ का है और इसके एलिमेंट्स वन से के बीच में है। और अब हम एक एन बाय एन एक और टू डायमेंशनल अरे बना रहे बी, जिसकी वैल्यू है मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा ए जे, फॉर बी ऑफ आई जे इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा ए जे। अब हमें क्या करना है, तो ये बेसिकली वन से के जो कलर्स हैं, बेसिकली ये कलर्स हैं। तो अब हमें हर एक कलर के लिए ये निकालना है कि स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल इन दी अरे बी कंटेनिंग ऑल द सेल्स ऑफ दिस कलर, इसका क्या मतलब है समझाता हूँ। तो एक मान लो एक अरे था, पहला एग्जांपल ही ले लेता हूँ या दूसरा बेटर रहेगा, हाँ दूसरा बेटर है। तो जो अरे ए है वो 1,2 है, राइट। अब मुझे एक अरे बी, जो मैट्रिक्स बी होगा वो क्या होगा, 1 1 1 2, ऐसा ये रूल से बन रहा है बेसिकली मैट्रिक्स, तो ये है राइट। ठीक है, अब मुझे 1 का ये बताना है, स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल सच दैट ऑल द सेल्स ऑफ कलर 1 आर देयर। तो स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल ये है जिसमें सारे 1 आ रहे हैं, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, अगर मुझे स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल निकालना होगा, देखो तो मैं बेसिकली मिनिमम रो मैक्सिमम रो, मिनिमम कॉलम मैक्सिमम कॉलम निकालूंगा, राइट। तो वो सिंपली निकाल सकता हूँ मैं, बट देखो और वो, लेकिन वो लाइक हर एलिमेंट के लिए डिपेंड करता है, राइट। अब अगर मुझे किसी कलर का निकालना है, चलो अभी इसी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसका 2 बाय 2 है बेसिकली, हमें बेसिकली लेंथ और ब्रेड देखनी है इस रेक्टेंगल की, तो वो 2 बाय 2 विच इज 4, 2 प्लस 2 4, हमें ऐड करनी है लेंथ और ब्रेड। तो 1 के लिए 4 है और 2 के लिए 1 बाय 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो बेसिकली 2 के लिए ये रेक्टेंगल है, 1 के लिए ये रेक्टेंगल है। अब अभी हमें किसी एक कलर के लिए देखना है, तो वो कलर कहाँ कहाँ कौन कौन सी रो में आने वाला है। मान लो एक कलर एक्स देखना है, तो जो कलर वाई उससे बड़े होंगे उनकी जो भी रोज होंगी उनमें आएगा, उनके जो भी कॉलम होंगे उनमें आएगा, राइट। तो मान लो वाई के कुछ इंडेक्स थे i1 i2 i3, तो इसमें से जो मिनिमम और मैक्सिमम इंडेक्स है वो मैं चूज कर लूंगा, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम क्यों चूज करूंगा, क्योंकि उतना तो मेरा रेक्टेंगल होना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा कलर वहां तक आ रहा है। और अगर देखोगे रो और कॉलम का फर्क नहीं पड़ता, दोनों मतलब पैरेलली सिमेट्रिकल चल रहे हैं, क्योंकि अगर आई वन से आई जे रो तक और आई वन से आई जे कॉलम, दोनों दोनों में जो एक्स है वो कलर आएगा, ये लेस देन, हाँ लेस देन इक्वल टू ही लेना है बेसिकली। अगर हाँ तो जैसे अगर मान लो अगर 1 का इंडेक्स होता 2, ऐसा कुछ होता मान लो, ऐसा कुछ एग्जांपल है अगर, तो 1 का इंडेक्स 2 है, तो 1 कहाँ कहाँ आ सकता है, 2 के साथ आ सकता है, तो 2 का इंडेक्स 1 है, तो रो नंबर
वन से रो नंबर फोर तक आ सकता है, क्योंकि फोर भी उससे बड़ा है। कॉलम नंबर वन से कॉलम नंबर फोर तक आ सकता है। तो वन का क्या हो गया, 4 + 4 8 हो गया, राइट। अब टू का देखें, अगर हम बेसिकली हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना, अब छोटे मतलब छोटे 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 एलिमेंट से चलेंगे। तो अब टू का देखना है, अब टू में क्या मैटर करता है, जो उससे बड़े एलिमेंट्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू इट। तो अगर देखो कि बड़ा एलिमेंट 3 है और 4 है, तो क्या क्या इंडेक्सेज है, 3, 4, इंडेक्स नंबर 3, 4 हो गया, राइट। तो रो नंबर 3 से रो नंबर 4, कॉलम नंबर 3 से कॉलम नंबर 4। बट हमने एक चीज ये नहीं देखी, टू टू का खुद का इंडेक्स भी तो मैटर करता है ना, क्योंकि देखा जाए 1, 1 पे तो 2 ही आएगा ना। तो बेसिकली तभी हम ग्रेटर देन इक्वल टू करते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू तभी तो कर रहे हैं कि वाई शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमें 2 भी कंसिडर करना है। तो 1, 3, 4 तीन इंडेक्स हैं, तो इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम लिया, उनका डिफरेंस लिया 4 - 1, और 1 ऐड करके इन टू 2 कर दिया। तो बेसिकली हर किसी के लिए आंसर हुआ। बट इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हर एक कलर देखो कलर्स कितने हैं, 10^5 है। तो मैं सिंपली अगर हर एक कलर के लिए अगर मैं ये कर दूँ, एक मिनट, हाँ देखो, तो मैं अगर हर एक कलर के लिए ये कर दूं कि हाँ, तो मैं हर एक कलर के लिए अगर ये स्टोर कर लूँ उसका हर एक इंडेक्स, तो और एक सेट भी बना दूँ साथ में, अगर मैं बना दूँ एक साथ में सेट, तो हर एक कलर के लिए अगर मैं उसका एक सेट बेसिकली अगर मैं सेट बना दूँ, मतलब बेसिकली सेट क्या स्टोर करेगा, अभी तक सारे कलर्स में कितने इंडेक्स है। तो इनिशियली सेट में 1 से लेकर n तक सारे इंडेक्सेस होंगे, राइट। अब मैं आइटरेट कर रहा हूँ छोटे नंबर से, फॉर आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू एन तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अभी ऐसा है कि अगर इंडेक्स आया है तो उससे बड़े सारे एलिमेंट्स के इंडेक्सेस होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आई से बड़े, लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू आई वाले सारे इंडेक्सेस अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो अभी तो सारे इंडेक्सेस अंदर है, तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम ले लूंगा सेट से, सेट में स्टोर्ड है, और सेट से मिनिमम और मैक्सिमम ले लूंगा और आंसर प्रिंट कर दूंगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि बेसिकली मान लो M(i) में स्टोर्ड है सारे इंडेक्सेस, तो मुझे ये पता है कि i के कौन कौन से इंडेक्सेस हैं, तो मैं सारे सेट से वो रिमूव कर दूंगा, क्योंकि अगले नंबर के लिए मुझे वो चाहिए नहीं ना, जैसे टू के लिए मुझे 1 के नहीं चाहिए ना, तो मैं 1 के रिमूव कर रहा हूँ ताकि 2 में दिक्कत ना आए। तो बेसिकली यही एल्गोरिज्म है इसका, सिंपल सा, और ऐसे हो जाएगा। तो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका ये सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हाँ, तो एक अरे दे रखा है एन लेंथ का, तो मैंने क्या किया, मैंने बी ऑफ के जो वेक्टर है इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ इंडेक्सेस, तो ऐसे मैंने स्टोर किया और एक सेट में सारे 0 से लेकर n-1 तक सारे इंडेक्सेस ले लिए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि सेट का साइज 0 तो नहीं है, और ये भी देख रहा हूँ कि वो कलर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो कलर प्रेजेंट नहीं है ना, तो आंसर उसके लिए 0 प्रिंट होना चाहिए, मैं क्यों फालतू में कुछ प्रिंट करूँ, 0 प्रिंट होना चाहिए ना अगर वो कलर ही प्रेजेंट नहीं है। अब इसलिए ये चीज़ देखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कलर प्रेजेंट ना हो, मतलब वो कलर प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट है तभी हम आगे प्रोसीड करें, अगर नहीं है तो सीधा 0 प्रिंट कर देंगे। तो अगर प्रेजेंट है तो हम बस मिनिमम और मैक्सिमम लेके इंटू टू कर देंगे। तो ये इसका सिंपल सा एल्गोरिदम है, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव ऑन करता हूँ। तो अगला प्रॉब्लम है, यू हैव एन अरे ऑफ साइज एन इनिशियली फिल्ड विद जीरोज, ठीक है, लाइक दिस, सभी के सभी 0 हैं। अब ऐसा है कि क्या दिया है, हाँ, तो उस हर एक लेंथ के लिए एक कॉस्ट है। अब वो कॉस्ट क्या डिनोट करती है, फॉर दैट कॉस्ट हम आई 1 से लेकर i तक सारे एलिमेंट्स में 1 ऐड कर सकते हैं C(i) कॉइन्स स्पेंड करके, और हमारे पास टोटल जो कॉइन्स है वो k है। तो हम लेक्सिकोग्राफिकली सबसे बड़ा अरे क्या बना सकते हैं, तो अगर आप देखोगे, तो ऐसा कुछ अरे दे रखा है इनिशियली लेंथ एन का, तो 0, 0, 0 समथिंग लाइक दिस।
एक कॉस्ट दे रखी है, जैसे 3,1,2 ऐसा कुछ दे रखा है कॉस्ट। तो ये मतलब ये एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये चाहिए, एक के दे रखा है, मान लो के है 7 ऐसा कुछ, राइट। तो के है टोटल कॉइन्स जो हम स्पेंड कर सकते हैं, हमें लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम अरे बनाना। तो लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम का मतलब भी तो यही होता है कि जो पहला एलिमेंट है वो सबसे बड़ा हो, फिर उसके बाद, मतलब आप समझ रहे हो ना लेक्सिकोग्राफिकल क्या होता है। और नहीं समझ आ रहा तो कोड फोर्सेस पे पढ़ लेना एक बार, लिखा उस पर समझाया हुआ थोड़ा। तो ऐसा है कि हमें हमारा जो मेन क्राइटेरिया क्या है, मेन पहला पहला मकसद क्या है, इसको मैक्सिमाइज करना। तो ये मैक्सिमाइज कैसे होगा, तो मैं बेसिकली मिनिमम कॉस्ट चूज करूँ तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो हमेशा कवर हो ही रहा है पहला वाला। तो मैं मिनिमम कॉस्ट कवर ये लूंगा 1, तो बेसिकली, और मैं सारे कॉइन्स स्पेंड करने का ट्राई करूंगा। तो क्या करूंगा, मिनिमम कॉस्ट 1 लूंगा और सारे एलिमेंट्स सारे सारे के सारे कॉइन्स स्पेंड करने का ट्राई करूंगा। तो क्या होगा, 7,7,0 ऐसा कुछ बन जाएगा। चलो इस एग्जाम्पल में तो और कुछ हो नहीं सकता है, मतलब यही आंसर है। बट अगर मैं थोड़ा बेटर एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं कॉस्ट अरे ऐसा कुछ लूँ, ठीक है, ऐसा कुछ 2, 3, 2, हाँ ठीक है। और मैं के लूँ, के क्या लूँ, 5 ले लूँ, ठीक है। तो हाँ, अब सबसे पहला तो यही होगा कि मैं मिनिमम ढूंढूँ। अब मिनिमम मैंने ये ढूंढा, बट अगर मैं देखूँ, अगर मैं ये वाला लूँ, ये भी सेम है एक्चुअली, इस मिनिमम के बराबर ही है। अगर मैं ये लूँ तो मेरा लेक्सिकोग्राफिकली बेटर रहेगा, अरे राइट, क्योंकि बाद में 0 आने से बेटर है। कि बेसिकली क्या होगा, अगर मान लो इधर एक्स 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 आएगा, तो अगर मैं ये वाला लेता तो इधर भी एक्स और एक्स आ जाता है, राइट। तो ये बेटर नहीं है। तो एक्चुअली मैं क्या करूँगा, मिनिमम ढूंढूंगा जो फार्देस्ट मिनिमम होगा। तो इसमें फार्देस्ट मिनिमम ये है, थोड़ा एग्जाम्पल को बेटर इम्प्रूव करने के लिए मैं यहाँ 3 भी डाल देता हूँ एक बार, ठीक है। तो फार्देस्ट मिनिमम ये है। अभी क्या कॉस्ट हो गई, बेसिकली मैं 2 बार यूज कर सकता हूँ इसको, राइट। तो 2, 2, 2, 2, 2, 0 ऐसा हो गया। अब मेरी मेरे कॉइन्स कितने बचे हैं, कॉइन्स बचे हैं K=1। अब इतने कॉइन बचे हैं। अब बात ये कि क्या मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा। अब सॉरी ये को, हाँ ठीक है ठीक है। तो एक्चुअली मैं कर सकता हूँ। अब रीजन क्या है, रीजन है 3 बेसिकली। एक एक और कॉस्ट बची हुई है, अगर मैं एक 2 की जगह यहाँ पर 3 वाला ले लेता तो मेरी मेरा क्या हो जाता है, अरे ये तो सेम का सेम रहता, यहाँ पर एक 1 एक्स्ट्रा आ जाता। तो देख बात यह कि मैं अगर मिनिमम लूंगा तो देखो जो पहले वाले वो चेंज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है ना। तो बाद वाले मतलब मैं बाद वालों को बढ़ाना चाहिए, इसको कम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने मिनिमम वाला लिया, ताकि पहले वालों के लिए तो मैक्सिमम आ जाए। अब बाद में बच्चों वालों के लिए हमें कुछ और चीजें देखनी पड़ेंगी। अब वो चीजें क्या है, देखा जाए तो वो चीजें हैं, एक तो जो कितनी कितने कॉइन्स बचे हुए हैं, और अभी ये देखना कि जो नेक्स्ट मिनिमम है उसका डिफरेंस क्या है पिछले वालों से। बेसिकली मैं नेक्स्ट मिनिमम देखूंगा, और मुझे बेसिकली इंडेक्स वाइज ही मूव करना है, आगे ही मूव करना है। तो अगर मैं अगर नेक्स्ट मिनिमम देखूँ, इसमें 3 है, और उसका पिछले वालों से डिफरेंस देखना है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो 2 कॉस्ट थी, मैंने जो 2 2 कॉस्ट के कॉइन्स है वो 2 बार यूज किए, तो मैं ये वेक्टर में स्टोर कर लूंगा, राइट। अब जो मेरा 3 वाला है वो मैं यूज कर सकता हूँ। अब मैं ये देखूंगा कि जो लास्ट वाला था वो कितने कॉइन्स थे। तो 3 - 2 करूंगा 1 = 1। तो के बाय 3 - 2 करूंगा बेसिकली। क्यों, क्योंकि मुझे कॉइन डिफरेंस देखना ना, कि मैं कितना और चेंज, बेसिकली कितना और डिफरेंस पड़ रहा है। तो मैं कितने बेसिकली मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ ना, कि 3 के कितने कॉइन्स में 2 के कितने कॉइन्स में 3 से रिप्लेस कर दूँ। तो बेसिकली ये रिप्लेस करने में कितने एक्स्ट्रा कॉइन्स यहाँ पर आ सकते हैं वो देख रहा हूँ। तो बेसिकली इसका एल्गोरिथम ये है, मैं सबसे पहले इनिशियली मिनिमम ढूंढूंगा, फार्देस्ट मिनिमम, ठीक है, फाइंड द फार्देस्ट मिनिमम। और बेसिकली ये बार बार करता रहूंगा, बेसिकली ये वाइल लूप में चलेगा। मैं फार्देस्ट मिनिमम ढूंढूंगा, ठीक है, कॉइन स्पेंड कर दूंगा, अब कुछ कॉइन्स बचेंगे। और बेसिकली जो जो मैं कॉइन्स स्पेंड करता जा रहा हूँ ना, वो मैं वेक्टर में स्टोर करता रहूंगा कि कितनी बार किए हैं, क्योंकि रिप्लेस करने मुझे एटलीस्ट पता रहेगा ना कि क्या क्या यूज किया है। क्योंकि जो यूज किया मैं वही रिप्लेस कर सकता हूँ, ऐसा ना हो ना कि मैं ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल हो सकता है।
मान लो मेरा के कुछ था 5, ठीक है, मेरी मिनिमम कॉस्ट अभी थी 3, राइट। इसके बाद मेरी एक और मिनिमम कॉस्ट आती है 4, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मतलब ये एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एक और पेज बना लेता हूँ। तो ठीक है, मिनट, तो मैं मान लेता हूँ के इक्वल्स टू 5, सॉरी, और जो कॉस्ट रे है वो है 3,4। तो इनिशियली क्या होगा, मैं 1,0 कर दूंगा, 3 यूज कर लूंगा, वो मिनिमम है। अब जो नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट मिनिमम पे मूव ऑन करूंगा, उससे पहले मैं ये वेक्टर में स्टोर करूंगा, 3,1 एक वेक्टर में स्टोर्ड है, ठीक है। इससे पहले 0,∞ स्टोर्ड था, बेसिकली इनिशियली 0,∞ स्टोर्ड है, क्योंकि अभी जो इनिशियली देखे हम, तो अभी करंट मिनिमम है, तो कॉस्ट डिफरेंस क्या है, 3 माइनस 0 3, तो बेसिकली 5/3 कर रहा हूँ, 5/3 इक्वल्स टू 1, और इन्फिनिटी है तो फर्क नहीं पड़ता, तो 3,1 ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अब जो मेरा नेक्स्ट मेरा के कितना बचा, के इक्वल्स टू 2, क्योंकि मैंने 3 कॉइन स्पेंड किए, बचे कितने, 2, राइट, 2 कॉइन्स बचे। अब 4 माइनस 3 क्या है, 1, बेसिकली मैं 3 को रिप्लेस करना चाहता हूँ 4 से। अब हाँ, तो 2/1 इक्वल्स टू 2, बेसिकली इसका मतलब है कि मैं दो दो बार ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अब देखो तो 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो मैं एक से ज्यादा बार ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 3 को रिप्लेस कर रहा हूँ ना, तो 3 अगर रिप्लेस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं किससे रिप्लेस करूंगा। तो ठीक है, तो इसका बेसिकली 1,1 हो जाएगा आंसर। दिक्कत ये थी कि अगर मैं ये कंसीडर ना करता, तो 1,2 हो जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना, 1,2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर 1,1 है, क्योंकि मुझे ये भी देखना है। अब मैं इसके एल्गोरिदम पे मूव ऑन करता हूँ, जो एक्चुअल एल्गोरिदम प्रॉपर लगेगा, तो मैं कोड के थ्रू समझा देता हूँ एक बार। तो क्या करना है, एक तो सेट में स्टोर करना है, मिनिमम फाइंड करने के लिए हम सेट में स्टोर कर रहे हैं माइनस आई, माइनस आई क्यों, हमें चाहिए कि जो मिनिमम और फार्देस्ट इंडेक्स सबसे पहले आ जाए, तो मिनिमम सबसे पहले आएगा, और उसके बाद अगर इंडेक्स बड़ा होगा तो वो भी पहले आए, इसलिए मैंने माइनस आई किया यहाँ पर। अब जो बी है, बी स्टोर कर रहा है मेरा फाइनल आंसर। अभी जे इक्वल टू 0 बता रहा है कि अभी तक कौन कौन से कवर हो चुके हैं, बेसिकली अरे बी के कौन कौन से एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। और ये वेक्टर ऑफ पेयर बता रहा है कि अभी तक क्या क्या मैं यूज कर चुका हूँ, कौन कौन से कॉइन्स यूज कर चुका हूँ और कितनी बार यूज कर चुका हूँ। तो इनिशियली 0 0 वाले कॉइन्स यूज किए हैं, तभी तो सारे एलिमेंट 0 हैं, और 1 ही 9 टाइम्स यूज किए हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। अब जब तक साइज 0 नहीं होता सेट का, बेसिकली सारे खत्म नहीं हो जाते, तो मैं सबसे पहले मिनिमम लूंगा। मिनिमम ये फर्स्ट बताता है कि क्या कॉस्ट है, और ये बताता है कि क्या इंडेक्स है। तो अभी जब तक अब मैं वी का जो साइज है, वी बेसिकली बताता है कि लास्ट यूज कॉइन क्या था, किसको रिप्लेस करना है, तो 0 को रिप्लेस करना है ना। तो जब तक वी डॉट साइज है, तो पिछले कॉइन को के अपॉन पी माइनस सी, बेसिकली जो पिछला कॉइन था कितने हम कॉइन्स बेसिकली रिप्लेस कर सकते हैं पिछले वाले से। तो इफ वाई इक्वल टू 0 तो ब्रेक कर दें, क्योंकि अगर कोई कॉइन रिप्लेस कर ही नहीं सकते तो कोई फायदा ही नहीं है, आगे प्रोसीड करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये देखना है कि जो वाई है कितने कॉइन्स रिप्लेस करना है, अगर तो वो लेस देन जो कितनी बार यूज किया था पिछला कॉइन वो है, तो बहुत सही है, तो हम सीधा वाई यूज कर लेंगे। तो सिंपली हमें पिछले वाले से एक तो सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और आर प्लस इक्वल टू वाई का मतलब है कि अभी तक, हाँ, तो जो करंट कॉइन है वो कितनी बार यूज कर रहे हैं, तो आर प्लस इक्वल टू वाई, और ये तो हम कॉस्ट से कितना जा रहा है वो है पी माइनस सी इंटू वाई, वो जा रहा है जितना, कितना कॉस्ट मतलब जितने कॉइन्स पड़े थे उसमें से कितने और जा रहे हैं, तो वो ये है। और अगर ऐसा नहीं है, तो हम पिछला वाला जो वेक्टर का लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट कर देंगे एक, तो क्योंकि वो यूजलेस हो जाएगा, और कॉइन्स भी डिलीट कर देंगे, और आर में भी ऐड कर देंगे वो चीज़। तो आर बेसिकली यही बता रहा है कि अभी करंटली जो करंट मिनिमम है उसके उसमें कितने कॉइन्स यूज हो रहे हैं। तो अगर तो आर है, मतलब आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0, तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ब्रेक कर देंगे, और वेक्टर में पुश करेंगे कि कितनी बार यूज हुआ वो कॉइन, और कौन सा कॉइन है, कॉइन मतलब कॉइन की वैल्यू, और कितनी बार यूज हुआ। अब हाँ, ये है मेन चीज। तो जे से लेकर इंड तक, इंडेक्स तक, हम सबको आर के इक्वल कर देंगे। तो आर बेसिकली वही है कि वो कॉइन हमने कितनी बार यूज किया है, सिंपली।
तो ये हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। हाँ, और हम अरे जो सेट है उससे भी ये सारे एलिमेंट्स डिलीट करते रहे, क्योंकि अब इनका फायदा नहीं है ना, पीछे पीछे जो गुजर गए वो गुजर गए, उनका फायदा नहीं। तो एंड में हम बेसिकली जो अरे बी आया वो प्रिंट कर दिया, तो बी हमारा आंसर है इधर। कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। नहीं तो ठीक है। तो चलो अब जो प्रॉब्लम ये है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें सिंपली क्या है, एक्चुअली इसमें एक अरे दे रखा है, और ऐसा है कि हम उस अरे को सब अरेज में डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसा है कि वो नॉन ओवरलैपिंग सब अरेज होने चाहिए। बट ऐसा भी है कि हम जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट सब अरे किसी सब अरे में आए, हम कोई भी कुछ भी सब अरे चूज कर सकते हैं, बस वो नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए। और वो चूज करने के बाद जो उनका मैक्स है उनका जोर लेना है, बेसिकली जो जो मैक्स वैल्यूज है उनकी, उनका आपस में जोर लेना है और उस जोर को मैक्सिमाइज करना है। तो वो हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन है। तो 1 मिनट। अगर आप कंस्ट्रेंट्स देखो तो n इज लेस देन इक्वल टू 5000, एंड जो एलिमेंट्स है अरे के वो भी लेस देन इक्वल टू 5000 ही है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने हमने एक बनाया अरे ए, तो मान लो उसमें कुछ एलिमेंट्स है ऐसे 1 0 1 4 5 ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है। अब आपको वैसे कंस्ट्रेंट से ऐसा लग रहा होगा कि डीपी है, तो लाइक मतलब वो तो थोड़ा इंट्यूशन आ जाता है, 5000 × 5000 कुछ 2D DP बनानी होगी, राइट, ऐसा कुछ। तो अगर आप देखो हाँ मतलब ऐसा ही कुछ है, हमें कुछ DP बनानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि हमें मैक्सिमम जोर चाहिए, और बेसिकली सबरे वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम मान लो कोई DP of i निकालना है, तो हम ऑब्वियसली मान लो हमने i से लेकर j तक कोई सबरे, j से लेकर i तक सबरे लिया, और DP of j-1, और बेसिकली इनको कंबाइन करा कुछ, ठीक है। अब देखा जाए तो 5000 ही मैक्सिमम, 5000 तक मैक्सिमम आंसर हो सकता है। तो हम देख चलो वो 8192 तक मान लेते हैं, तो हम जो अरे का साइज है वो 8192 तक ले लेते हैं एक बार। बेसिकली जोर के क्या क्या हो सकते हैं 8192। अगर हम ये देखें कि हर एक इंडेक्स तक कौन कौन से जोर पॉसिबल है, अगर हम ये हर किसी के लिए हम ये रख के रखें, तो हम मैक्सिमम जोर निकाल सकते हैं, राइट। इसमें जो स्टेट्स है वो भी n² है ना। लाइक फर्स्ट स्टेट है इंडेक्स इंडेक्स, और जो सेकेंड स्टेट है बेसिकली ये जोर पॉसिबल है कि नहीं, तो 0 या 1 होगा, राइट, ऐसा कुछ होगा। अब अगर हम देखा अगर देखा जाए तो अगर हम ट्रांजिशन करने की कोशिश करें, मान लो हमें DP of i निकालना है, मतलब DP of i of j निकालना है बेसिकली, मतलब DP of i में हमें सारे एलिमेंट्स का निकालना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर मान लो हम सारे j तक आइटरेट करें 0 से लेकर j तक, तो जे से आए जो जे से आए सब अरे होगा उसका मैक्स निकाल लेंगे, कुछ मैक्स होगा। अब वो मैक्स हमें DP of j-1 में जो सबके साथ सारे एलिमेंट के साथ जो जो एलिमेंट्स पे 1 है, बेसिकली जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके साथ अगर हम मैक्स ले लें, तो हम इसमें बेसिकली DP of i इक्वल्स टू मैक्स जोर, बेसिकली DP of i और इक्वल टू मैक्स जोर DP of j-1, DP of j-1, x, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट। बट अगर देखा जाए तो इसमें ट्रांजिशन है वो O(n² हो जाएगी, और टोटल O(n³ चला जाएगा ये एल्गोरिथम, राइट, जो कि हमें नहीं चाहिए। बट क्या हम इसे रिड्यूस किया जा सकता है, क्या इसे रिड्यूस किया जा सकता है? तो इसका रिडक्शन का एक्चुअली एक लॉजिक ये है कि हम ये कर सकते हैं कि देखा जाए तो मैक्स कितनी बार चेंज होता है, क्योंकि उस पर बहुत डिपेंड करता है ना। देखो एक तो ये चीज है कि DP of i बेसिकली ये भी है ना कि हम जरूरी नहीं है वो सबरे ले ही ले, तो
तो डीपी ऑफ आई इनिशियली क्या होगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन के इक्वल, राइट। तो ऑब्वियसली जो हमारा बेटर आंसर होगा वो आगे आगे की तरफ होगा। तो अगर मान लो हमारा मैक्स एक्स है, जो एक्स मैक्स है हम डीपी ऑफ जे के साथ लें, और डीपी ऑफ जे माइनस वन के साथ भी मैक्स एक्स है। तो अगर हम डीपी ऑफ जे के साथ ले लें तो फर्क ही नहीं पड़ता डीपी ऑफ जे माइनस वन के साथ ले, क्योंकि डीपी ऑफ जे में डीपी ऑफ जे माइनस वन इंक्लूडेड है। तो बेसिकली अगर हम ऐसा करें कि अगर मैक्स इंक्रीज करें तो ही करें, तो लाइक हमारा कुछ ऑप्टिमाइज हो सकता है। अगर हम देखा अगर देखा जाए तो मैक्स टोटल कितनी बार इंक्रीज होगा, तो टोटल जो हम ट्रांजिशंस कर रहे हैं वो कितनी है, ऑफ एन स्क्वायर ट्रांजिशंस है, राइट। हर ट्रांजिशन में मैक्स कितनी बार इंक्रीज हो सकता है, एक बार, एक से ज्यादा बार तो नहीं हो सकता। तो मैक्स टोटल कितनी बार इंक्रीज हो रहा है, ऑफ एन स्क्वायर टाइम्स। तो अगर मैक्स टोटली ऑफ एन स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हम सिंपली एक मिनट हाँ, तो अगर मैक्स टोटली ही ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, क्या तो क्या हम लाइक ट्रांजिशन ऐसे कर सकते हैं कि अगर जो मैक्स है वो इंक्रीज जो इंक्रीज है इंक्रीज हो रहा है, जहां जहां इंक्रीज हो रहा है सिर्फ वहां वहां ट्रांजिशन करें, वहां वहां चीजें बदलें, तो काफी सही नहीं हो जाएगा? बट एक चीज इसमें देखने वाली है कि क्या ये अभी भी ओ ऑफ एन क्यूब है या नहीं। मुझे अभी भी ये ओ ऑफ एन क्यूब लग रहा है, एक मिनट। स्क्वायर तो देखा जाए तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, गेटिंग इट, हाँ समझा। तो देखो देखा जाए तो मैक्स कहाँ तक हो सकता है, कोई भी मैक्स एन तक हो सकता है, एन तक, राइट। तो अगर हम किसी आई से पीछे जाते रहे तो मैक्स टोटल कितनी बार इंक्रीज होगा, एन बार, राइट। मैक्स टू मैक्स एन बार इंक्रीज होगा, मतलब इन द वर्स्ट केस हर बार इंक्रीज हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा कुछ करते करते मैक्स हर बार इंक्रीज हो रहा है एन तक, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ हो रहा है। अब मान लो मुझे अगले एलिमेंट का निकालना है कुछ, आई प्लस वन के लिए, मुझे आई प्लस वन के लिए, चलो आई के लिए मैंने सबके साथ बेसिकली ले लिया। अब मैं आई प्लस वन के लिए अगर करूं तो यहाँ पर इनिशियली मैक्स इसका कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पर कुछ एलिमेंट होगा 0 अगेन, तो इनिशियली इंक्रीज हुआ वन से, फिर इंक्रीज होता गया पीछे पीछे। इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है इस लॉजिक में, ये भी फुली ऑप्टिमाइज थोड़ा लग नहीं रहा है, बट आई एम श्योर कि ऐसे कुछ ओ ऑफ एन स्क्वायर में स्क्वीज हो सकता है। आई गेस अभी सही से आ नहीं रहा मेरे को लॉजिक, बट आई थिंक इसी लाइंस पे, तो यू कैन सी द एडिटोरियल ऑफ कोड फोर्सेस, या मतलब या खुद भी सोच सकते हो थोड़ा, बट इसी लाइंस पे कि थोड़ा ऑप्टिमाइज होकर रिड्यूस हो सकता है। तो ठीक है, आई गेस वी आर डन हियर, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग, बाय बाय।